नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल एहसे में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक बार फिर नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गायत्री मंत्र का जाप करने के और क्या क्या लाभ हैं। इसका पहला पार्ट मैं बना चुका हूँ, और जिसने वह पहला पार्ट नहीं देखा वो जाकर देख लीजिए। और अब मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ कि गायत्री मंत्र का जाप करने के और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, गायत्री मंत्र का क्या अर्थ है और हिंदी में क्या अर्थ है गायत्री मंत्र का, क्योंकि बहुत से लोग गायत्री मंत्र का हिंदी अर्थ नहीं जानते। और गायत्री मंत्र का किस समय जाप करना चाहिए और क्या क्या लाभ है इस मंत्र के जाप करने के, वे भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मन के दुख, द्वेष, पाप, भय जैसे नकारात्मक विचार का अंत होता है। मनुष्य मानसिक तौर पर जागृत हो जाता है। प्रत्येक दिन गायत्री मंत्र का जाप करने से चमत्कारिक लाभ प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र का जाप बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उनको हिंदी अनुवाद नहीं पता होता है इसका। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसका हिंदी अनुवाद क्या है, क्योंकि इसका हिंदी अर्थ भी लोगों को मालूम होना चाहिए। अगर आपको इसका हिंदी अर्थ मालूम नहीं है तो आपको इसका हिंदी अर्थ जान लेना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी कार्य करते हैं अगर हमें उसका यही नहीं पता हो क्या किस लिए जा रहा है, उसका क्या अर्थ है, तो फिर उसको करने का मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि इस मंत्र का फिर हिंदी अर्थ जानने से लिए भी आवश्यक हो जाता है। तो मैं अब बताता हूँ आपको इसका हिंदी अर्थ क्या है। तो इसका हिंदी अर्थ है, सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। वह परमात्मा का तेज हमारी बुद्धि को सहमार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करे। यह इस गायत्री मंत्र का हिंदी अर्थ है, जो सभी को पता होना चाहिए। बहुत से लोग अगर अपने बच्चों को गायत्री मंत्र का जाप करना अगर सिखा रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कि हिंदी अर्थ इसका गायत्री मंत्र का यह है। गायत्री माता को देव माता भी कहा जाता है या देवों की माता भी कहा गया है। गायत्री मंत्र को चारों वेदों का सार माना जाता है। गायत्री माता से ही वेदों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वह वेद माता भी है। ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव भी गायत्री मंत्र का और गायत्री माता का ध्यान करते हैं। तो आप समय जान लेते हैं क्या समय है इस गायत्री मंत्र का जाप करने का, क्या क्या समय करना चाहिए इस गायत्री मंत्र का जाप। तो गायत्री मंत्र को तीन समय जाप किया जा सकता है, सुबह, दोपहर और शाम के समय। सुबह आप इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष माला पे कर सकते हैं, और इस मंत्र का जाप आप सूर्योदय से ठीक पहले कीजिए और सूर्योदय के बाद तक आपको इसका जाप करना चाहिए। दूसरा समय आपको दोपहर में करना चाहिए इसका जाप। तीसरा समय जो होगा सूर्योदय, सूर्यास्त जो होगा उसके ठीक पहले और सूर्यास्त के बाद तक इसका पाठ करना चाहिए। ये इसका पाठ हो जाता है, जो हमको जो दिए गए समय है इसी समय इसका जाप करना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास ज़्यादा समय नहीं होता, वे थोड़ा ही समय निकाल पाते हैं, तो वे एक समय भी इसका जाप कर सकते हैं। आप सुबह भी कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप 108 जाप कर सकते हैं। आपके पास अगर थोड़ा और समय है तो आप 1008 भी इसका जाप कीजिए, आपको इसका बहुत लाभ होगा। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपके पास समय हो एक हफ्ते में एक बार भी अगर आपके पास समय है तो इसका हवन जरूर कर दीजिए। 108 आहुतियाँ आप इसकी कीजिए, आपको बहुत अच्छे इसका लाभ मिलेगा। तो इसके बहुत से लाभ है इस मंत्र के जाप करने। गायत्री मंत्र को जाप करने से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। संतान की प्राप्ति होती है। जिनको संतान नहीं है वे अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो माता गायत्री की कृपा से उनको संतान की प्राप्ति होती है। कार्यों में सफलता प्राप्त होने लगती है। और अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग गायत्री मंत्र हैं, जिनका अपना एक विशेष प्रभाव है। अगर हम बात करें माता सरस्वती के सरस्वती गायत्री मंत्र की, तो इसका पाठ करने से, इसका जाप करने से व्यक्ति की स्मरण शक्ति बढ़ती है, माता सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति पढ़ाई में या अपने कामों में तेज हो जाता है, अच्छी प्रकार से वह अपने कामों को करता है, जिससे दूसरे लोग उससे प्रभावित होते हैं। और इस मंत्र के जाप करने के अनगिनत लाभ हैं,
जिसे मैं आपको नहीं बता सकता, इतने सारे इसके लाभ हैं। अगर आप इस मंत्र को पढ़ते हैं तो आपको स्वयं पता लग जाएगा इसके और क्या क्या लाभ हैं, इतने अनेकों अनेकों इसके लाभ हैं। तो आप अपने जीवन में ज़रूर इस मंत्र का जाप कीजिए। एक और मैं आपको जाप बता देता हूँ, इसका लाभ बता देता हूँ क्या लाभ है। अगर आप गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके सामने कभी भी खड़ी नहीं हो सकती। अगर आप नियम से इसका पाठ करते हैं तो आपके सामने बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति भी आपके सामने आकर कभी नहीं खड़ी हो सकती। इतनी ऊर्जा, इतना प्रभाव इस मंत्र का है। और एक व्यक्ति भी थे, एक साधक थे, जिन्होंने इस मंत्र का जाप किया था और उनके जीवन में बहुत सी ऐसी विचित्र विचित्र घटनाएँ घटित हुई जो हम सबको बहुत कुछ इस मंत्र के बारे में सिखाती है। वे कभी मैं अलग से उनकी वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज मेरा पर्पज़ यही था कि मैं इस गायत्री मंत्र का जो एक पार्ट बचा हुआ था वो भी मैं आपको बता दूं। तो आगे जो भी मेरी वीडियो आएंगी वो दूसरे टॉपिक पर भी आएंगी और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार इस मंत्र का जाप करना चाहिए और इसकी साधना करनी चाहिए। तो हमारे चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।